थाईलैंड में पिछले 24 घंटे में हुए 8 बम धमाकों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आज सुबह मशहूर क्लॉक टावर के पास स्थित हिन रिजॉर्ट में 2 बम विस्फोट हुए। इससे पहले कल 2 बम विस्फोट पर्यटक स्थल पर हुए थे। इसके बाद सूरत थानी और तरंग इलाके में भी 3 विस्फोट हुए। पतांग बीच में स्थित मशहूर रिजॉर्ट शहर फुकेत में भी विस्फोटों की खबर है। थाईलैंड में बीते 24 घंटे में 8 बम धमाके हुए हैं। ये विस्फोट ऐसे समय में हुए हैं जब देश महारानी सिरिकीत का जन्मदिन मना रहा है। इसे यहाँ मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार है जब हुआ हिन और फुकेट जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर बम विस्फोट हुए हैं। हालांकि विस्फोटकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। यह भी साफ नहीं है कि इन विस्फोटों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पर्यटन पर आधारित है और ऐसे में सिलसिलेवार धमाके थाईलैंड के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस धमाकों की वजह को जानने में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।